हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर टू फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस द सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो द सी पी यू इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस सी पी यू क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है दैट वर्क्स ऑन इनपुट एंड सेंड द रिज़ल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस जो कि वर्क करता है किस पे इनपुट पे यानी कि जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उस पे वर्क करता है एंड सेंड द रिज़ल्ट और जो रिज़ल्ट होता है उसको रिज़ल्ट उसको दे देता है आउटपुट डिवाइसेस को दे सक दे देता है यानी कि मॉनिटर को वो रिज़ल्ट दे देता है द सी पी यू इज़ द चिप विच इज़ प्लेसड इनसाइड द सी पी यू बॉक्स यहाँ यह सी पी यू क्या होती है सी पी यू में एक चिप होती है जो कि सी पी यू बॉक्स के अंदर फिट होती है सी पी यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ़ अ कंप्यूटर सी पी यू को क्या कहते हैं हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सी पी यू को हम कहते हैं एज़ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क डन क्योंकि ये जित ये क्या होता है सी पी यू क्या होता है जित रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर पर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सी पी यू यानी कि सी पी यू इसी लिए सी पी यू को हम क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ कम्प्यूटर आ सी पी यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स तो सी पी यू में कितने पार्ट्स होते हैं ए ए थ्री पार्ट्स होते हैं इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है सी को ए एल यू सी यू एंड एम यू ये थ्री पार्ट्स में हम सी पी यू को डिवाइड कर सकते हैं अब ये देखिए ये है अब इस पिक्चर में देखिए ये है एम यू यानी मेमोरी यूनिट एम यू का फुल फॉर्म क्या होता है मेमोरी यूनिट ये क्या है सी यू यानी कि कंट्रोल यूनिट और ये लास्ट वाला क्या है स्टूडेंट्स अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ए एल यू अब क्या इसकी क्या वर्क होता है ए एल यू डज ऑल द अर्थमैटिक कैलकुलेशन ए एल यू क्या करता है सारे अर्थमैटिक कैलकुलेशन करता है अर्थमैटिक कैलकुलेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है मल्टीप्लीकेशन आता है डिवीजन आता है एटसेट्रा यानी और भी चीज़ें आती हैं तो अर्थमैटिक में क्या मेन क्या आता है एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इट ऑल्सो डज कंप्रेशन लाइक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू पे भी वर्क करता है ओके स्टूडेंट्स तो ए एल यू क्या है मेन अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट क्या होता है सी यू यानी कि कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट ऑल कंट्रोल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ सी पी यू और सी सी पी यू के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है द सी यू गेट्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट सी यू क्या करता है डाटा को लेता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट से लेता है एंड पासिस दम और उसको कहाँ पास करता है ए एल यू में पास करता है स्टेप बाई स्टेप फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका मेमोरी यूनिट द सी पी यू ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी लाइक ह्यूमन बींग्स सी पी यू में एक मेमोरी होती है जैसे कि हम लोगों में मेमोरी होती है वैसे ही सी पी यू में भी एक मेमोरी होती है इट स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है दैट यू गिव द कंप्यूटर जो कि आप कंप्यूटर को देते हो एलोंग विद द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग रिजल्ट के साथ में जो भी आप कंप्यूटर पे देते हो वो वो क्या करता है वो सभी चीज़ें एम यानी मेमोरी यूनिट अपने स्टोर में अपनी मेमोरी uh, में स्टोर करता है तो ये देखिए इस पिक्चर से ये देखिए ये ये पिक्चर बनी हुई है इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आपका है स्टोरेज डिवाइसेस द Devices that are used to store data. आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करने में यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस देर आर मेनी स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर आवर डाटा और वर्क यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो हमारे डाटा को या वर्क को स्टोर करते हैं सो दैट वी कैन गेट इट बैक वन एवर वी नीड इट जिससे कि हमें जब कभी भी इन स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत हो तो हम अपने इन स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम लोग अपनी डाटा को देख सकें जब भी हमें वर्क उस जब भी हमें काम करना हो तो हम उस डाटा को देख सकें इन स्टोरेज डिवाइसेस के हेल्प से सम ऑफ कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर जो कि कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेस हैं क्या हैं जैसे ये देखिए हार्ड डिस्क है सी है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क डी है यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है और है पेन ड्राइव तो ये सब किस लिए यूज़ होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और ये डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल यानी कि कंप्यूटर किस पर वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है इट रिसीव्स इनपुट ये क्या करता है इनपुट लेता है पहले फ्रॉम द यूज़र यूजर से इनपुट लेता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस किसके थ्रू इनपुट डिवाइसिस के थ्रू ये यूज़र से इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है यूजिंग सी पी यू किसके थ्रू प्रोसेस करता है सी पी यू के थ्रू प्रोसेस करता है एंड गिव बैक द आउटपुट और इसके बाद में ये क्या करता है आउटपुट डि आउटपुट देता है किसके थ्रू आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट देता है दिस साइकिल इज़ नोन एज आई पी ओ साइकिल इसी को क्या कहते हैं आई आई पी ओ यानि कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कहते हैं अब ये देखिए ये आई साइकिल आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ हमने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया ठीक है कोई भी वर्ड या कुछ भी हमने टाइप कर दिया इसमें थ्री सिक्स प्लस कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं आपने उसको टाइप किया कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं तो डाटा कहाँ गया हमारा सी में गया सी ने क्या किया उसको प्रोसेसिंग किया ठीक है उसको क्या किया प्रोसेस किया कि थ्री आपने थ्री प्लस सिक्स लिखा है तो थ्री प्लस सिक्स का क्या यहाँ प्रोसेस करके क्या इसने आउटपुट निकाला तो मॉनिटर हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस ने क्या इसको आउटपुट निकाला नाइन तो ये क्या हो गया इनपुट हुआ कीबोर्ड के थ्रू हमने इनपुट किया सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और मॉनिटर ने उसको आउटपुट उसका निकाल दिया अब ये देखिए जैसे कि इस एग्जाम्पल से जैसे डायलिंग अ नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड जैसे आपने नंबर डायल किया ठीक है आईपीओ साइकिल को इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं ठीक है कैसे जैसे कि आपने कोई भी मोबाइल से कोई भी नंबर डायल किया जैसे ये बच्चा नंबर डायल कर रहा है कनेक्टिंग टू नेटवर्क इसके बाद में देखा है आपने जब नंबर आप डायल करते हो तो कुछ टाइम लगता है तो क्या हो गया यहाँ आपने क्या किया ये किया आपने इनपुट ठीक है अब जब हम डायल करते हैं नंबर डायल करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है ठीक है क्योंकि थोड़ी देर बाद नेटवर्क मिलता है तो उसको क्या कहते हैं प्रोसेस और फिर हम अपने फ्रेंड से क्या करते हैं बात करने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं आउटपुट तो ये इस इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि हम लोग पहले नंबर नंबर डायल किया तो उसको हमने कहा इनपुट फिर वो प्रोसेसिंग हुई यानी कि वो कनेक्टिंग हुआ नेटवर्क से कनेक्ट हुआ फिर हमने जिससे बात करनी चाहिए उससे बात हो गई तो यानी कि वो हो आउटपुट हो गया ओके स्टूडेंट्स तो आई थिंक आप लोगों ने आप समझ सके सक आपने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर आई पी साइकिल पर कैसे वर्क करता है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू